हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल विद्या तेनाली वीडियो। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो होने वाला है वन ब्रांड मेकअप लुक। सो मैं करने वाली हूँ शुगर के सारे प्रोडक्ट्स को यूज करके बहुत ही सटल सा, ग्लोई सा एंड सिंपल सा लुक, जो कि आप किसी भी नॉर्मल जगह पे आप जा रहे हो, कहीं विजिट कर रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, मतलब छोटी मोटी पार्टीज में तो आप कैरी आउट कर सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा नो मेकअप मेकअप लुक काइंड ऑफ लुक चल रहा है। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू रिक्रिएट इट विद ऑल यूजिंग ऑल शुगर प्रोडक्ट्स। एंड ऑल्सो दिस इज नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। सो मैं बहुत दिनों बाद शूट कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद ऐसे सेट डाउन वाली वीडियो मेकअप वाली कर रही हूँ मैं। सो आई थॉट कि वी नीड टू बी रेगुलर ऑन आर यूट्यूब। सो या फाइनली वी आर बीइंग गोइंग टू बी रेगुलर, एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं। सो अगर मैंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर यर, एक सब्सक्राइब बटन हिट कर दो, बिल्कुल फ्री है। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। स्टार्ट करने से पहले तो हम अपने बाल थोड़ा सेटल कर लेते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा स्ट्रेटनिंग एंड ऑल किया है, तो जिसकी वजह से बाल जो है वो बहुत ही इधर उधर भाग रहे हैं, आप देख रहे होंगे, राइट। सो मैं बाल पीछे कर लिए हैं, जो कि हमें डिस्टर्ब नहीं करने वाले, एंड यू कैन सी माय बेयर स्किन। सो दिस इज द स्किन, मैंने अपने स्किन अपना स्किन केयर कर लिया है, एंड मेरे यहाँ पे बहुत सारे पिंपल्स हो रखे थे। सो मैं अभी एक सीरम यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मुझे PR में आया था। सो मैंने इसको यूज़ नहीं किया था, आई एम जस्ट यूजिंग एंड आई एम लाइकिंग इट्स इफेक्ट। स्पॉट्स हो गए हैं ना, वो काफी लाइट हो रहे हैं। सो अगर वो मुझे सही में और ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल लगा, सो ऑफकोर्स मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। एंड अभी मैंने स्किन केयर कर लिया है, सो आफ्टर दैट वी गोना यूज थिंग विच इज दिस शुगर प्राइमर। ये शुगर का प्राइम सब्लाइम एंटी एजिंग प्राइमर, ये है ना ग्रीन कलर में है, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा रेडनेस है। सो मैं ये थोड़ा सा लेके लगा लो, योर स्किन फील सो सॉफ्ट, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके ऊपर ना जब आप मेकअप करते हो तो वो बहुत ही ईजली ग्लाइड होता है। सो मुझे ये काफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आपको थोड़ा सा ना इसको लगा के थोड़ा सा वेट करना रहता है, ताकि ये थोड़ा सा सेटल हो जाए आपकी स्किन में, एंड उसके बाद आप इसके ऊपर मेकअप करो, द मेकअप विल लुक सो फ्लॉलेस, ट्रस्ट मी। अगर आप ये लेते हो ना, अगर आई डोंट थिंक इसका प्राइस इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, 444.99 का, बट आपको हमेशा डिस्काउंट पे ये प्रोडक्ट ज़रूर मिलेगा। सो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। दिस इज़ द एंटी एजनिंग शुगर प्राइम सब्लाइम प्राइमर। सो डू चेक इट आउट, इफ़ यू लाइक इट यू कैन यू विल फॉर श्योर लाइक इट, क्योंकि इसके ऊपर ना मेकअप यार बहुत मक्खन की तरह बैठता है। सो मैंने ये कर लिया है, एंड अभी मैं 2 मिनट सा हल्का सा टाइम लूँगी, तब तक मैं अपना वो लिप्स मॉइस्चराइज कर लेती हूँ, वो नहीं है मेरे पास, लिप्स मॉइस्चराइज कर लिए हैं, इस ये थोड़ा सेटल हो गया। एंड आफ्टर दैट वी विल गोना यूज दिस शुगर का ब्लिंग लीडर इल्यूमिनेटिंग सनस्क्रीन SPF PA3 पिंक ट्रिपिंग। सो ये सनस्क्रीन के साथ साथ ना हाइलाइटर भी है, सो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें ना स्पार्कल है। सो ये 2 शेड्स में आता है, एक पिंक और एक पिंक लाइट और एक गोल्ड। सो ये बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि और ये मेरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अप्लाई कर लिया सो दैट टू गेट दैट शाइन, अ लिटिल बिट ऑफ शाइन करेक्ट कर रही हूँ, एंड आस्क आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू यूज द बीबी क्रीम, सो माय कलर करेक्टर फ्रॉम नायका। सो मुझे इसके अच्छा कोई कलर करेक्टर नहीं दिखता है ऐसे, वैसे LA Girl का भी बहुत अच्छा है, मैं वो भी यूज़ करती हूँ, बट अभी मेरे पास ये पास में था तो मैंने ये यूज़ कर लिया। मैं डेली यूज में ये अच्छा करती हूँ, क्रीम कलर करेक्टर यूज़ करने वाली हूँ दिस शुगर की गॉडेस ऑफ फ्लॉलेस SPF 30 बीबी क्रीम। सब में SPF 30 है, आई एम इन दी शेड 15 कैपेचिनो, और अब मैं इसको अपने पूरे फेस पे रखूंगी एंड लगाऊंगी। पहले ना अपने हैंड से बीबी क्रीम को हमेशा ऐसे करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्टली ब्रश यूज़ किया ना, दिस इज़ माय टेक्निक, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, तो उसका ना जो क्या बोलते हैं जो कवरेज है उतनी अच्छी नहीं आती है बीबी क्रीम की, अगर आप ब्रश या ब्लेंडर डायरेक्टली यूज़ करते हो, क्योंकि सारा प्रोडक्ट फिर उसमें चला जाता है, क्योंकि मूल ब्लैक टेक्स्चर में होता है। तो आई लाइक टू यूज़ हैंड बिफोर ब्लेंडिंग इट विद एनी ब्लेंडर और ब्रश। वी विल गोना गो विथ सम कंसीलर, जो कि मैं सेम या नायका वाले पैलेट से यूज कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू डू माई
आईब्रोज यूजिंग दिस आर्च अराइवल ब्रो पेंसिल इन द शेड टॉप टॉम. आई जस्ट लव दिस पेंसिल क्योंकि यार बहुत ही सही है. बट कि मुझे ना इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी थोड़ी सी कम लगी, क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द प्राइस. अदरवाइज मुझे बहुत अच्छी लगती है पेंसिल. अगर आपके पास ये बहुत ही परफेक्ट स्पूली होती है पीछे ब्रश करने के लिए आपके कोम. आई मीन यस, मैंने आज ही आईब्रोज करवाई हैं. सो या एंड मैंने आपको कोम कर लिया एंड देन उसके बाद आई एम गोना फिल द इट विद दिस आई मीन शेड. सो आईब्रोज को मैंने बहुत ही सटल रखा, मैंने फिल इन करके अब मैं उसको ब्रश कर रही हूँ इस स्पूली से. बिकॉज एज यू गाइस कैन सी मैंने कितना सटल रखा है, अगर आप देख सकते हो तो. सो या दिस इज हाउ आई लाइक टू कीप इट. ब्लश के लिए ना लिपस्टिक जो यूज़ करने वाली हूँ मैं उसी से हमेशा बोस कर. मुझे ये शेड, ओ माय गॉड, दिस शेड इज़ लाइक रियली गुड. और ये है शुगर की जो मिनी लिपस्टिक्स होती है ना, स्मज मी नॉट का जो मिनी वाला आता है वो ये है. एंड दिस इन द शेड 09 सॉव मॉव. एंड ये 1.1 ml की है, ये 256 ऐसे करके कुछ मिलती है. और सो दिल, हमने दिल बना दिया है. एंड वी गोना ब्लेंड इट आउट using this sugar blush brush because मुझे ये brush यार इतना मस्त लगता है, इतना अच्छा लगता है ये brush blend करने के लिए. but you need to be very fast because of course जैसे कि आपने देखा ये lipstick बहुत जल्दी dry होती है. सो ये आपके फेस पे ऐसे ही निशान छोड़ सकती है. तो अब मुझे इसको ब्लेंड करना पड़ेगा. सो ठीक है, ये वाला पैलेट यूज़ करने वाली हूँ. दिस इज़ दी शुगर कॉन्टोर दी फोर्स आई एंड फेस पैलेट इन दी शेड पिंक प्रो. एंड इसके अंदर आते हैं ये सारे शेड्स. ये आपका ब्रश आता है एंड ये सारे शिमरी शेड्स आते हैं, ब्लश आता है, हाईलाइटर आता है एंड कॉन्टोर. मैं इसको ले रही हूँ एंड डस्ट ऑफ एक्सेस एंड बस उसी को अपने आईज पे. शुगर काजल एंड मैं उससे ना हल्का सा अपनी आईलेट के क्लोज वो रखूंगी ना, उसको हल्का सा स्मच कर लूंगी दैट्स इट. और इसको मैं ना अपने हैंड से करने वाली हूँ आई एम थिंक सो. सो यू गाइज कैन सी मैंने कितना सटल सा करा हुआ है लुक. लुक कम्प्लीट कर रही हूँ यूजिंग दिस शुगर मस्कारा. क्या इसको ना काफ़ी अच्छे से ये लेंडिंग करता है तो मुझे ये काफ़ी पसंद है. मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं नॉन ट्रांस मतलब कि वाटर प्रूफ मस्कारा ना लगाऊँ क्योंकि वाटर प्रूफ डेली यूज़ के लिए आपकी लैशेस को मतलब उतना अच्छा नहीं रहता. तो अब वाटर प्रूफ, वैसे मेबलिन के मस्कारे भी काफ़ी अच्छे होते हैं लेकिन मैंने जब से ये ट्राई किया मुझे ये भी पसंद आया काफ़ी. नहीं तो मैं मोस्टली मेबलिन के मस्कारे ही ट्राई करती हूँ. Yeah, and I'm right now I'm completing my look using this lipstick. And यार मैं ना पूरी ये नहीं करती हूँ क्योंकि I don't want full color on my lips. ये जो हाइलाइटर होता है ना ये मैं बिल्कुल अपने इनर कॉर्नर्स पे हल्का सा लगाती हूँ. आई एज यू गाइस कैन सी कीप इट लाइक दिस ऑन माई डेली बेसिस. अगर मैं अगर आपको मैंने अभी बताते बताते किया कि थोड़ा ज़्यादा समय लग गया लेकिन अगर मैं बिना बताए करूँ ना तो आई जस्ट नीड 5 minutes टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ मेकअप लुक क्योंकि मैं बहुत जल्दी करती हूँ. मुझे मेरा हाथ सेट है एकदम. मुझे ब्लश थोड़ा सा एक्स्ट्रा पसंद है इसलिए मैं एक्स्ट्रा लगाती हूँ. आप चाहते थोड़ा कम कर सकते हो. सो दिस इज हाउ ये ना मेरा नेचुरल लाइट आ रहा है सामने से खिड़की से. सो आप बता सकते हो कैसा लग रहा है. नो एक्स्ट्रा लाइटिंग ऑन माई फेस. दिस इज दी हाउ द एक्चुअल मेकअप लुक्स लाइक ऑन योर स्किन. सो यार गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज लुक. आई होप आपको मेरा लुक अच्छा लगा हो एंड दिस इज हाउ द मेकअप लुक्स लाइक इन रियल लाइफ. एंड यू कैन सी हाउ सटल एंड इफ आई कम क्लोजर सो आप मेरा स्किन देख सकते हो कैसा लग रहा है आफ्टर मेकअप. सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली द मेकअप एग्जैक्टली लुक्स लाइक वैन यू डू इन रियल लाइफ. वैन यू सी अ पर्सन इन रियल लाइफ वो इतना फ्लॉलेस मेकअप लुक, वो सारे एडिट्स होते हैं
ट्रस्ट मी आई एम नॉट डिसग्रेडिंग एनी वन, बट रियलिटी यही होती है, कुछ फ्लॉलेस नहीं लगता है। मेकअप स्किन पे अगर लगा हुआ है तो वो दिखता है, और वो चाहे कम लगा हो चाहे ज़्यादा लगा हो, हर चीज़ दिखती है। सो दिस इज हाउ आई लाइक टू कीप माई मेकअप फॉर एवरी डे। एंड अगर आपको लुक अच्छा लगा, यू नो द ड्रिल, यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज सब्सक्राइब कर, मेरे को इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, सो बहुत सारी रील्स मैंने वहाँ पर अपलोड करी हैं। तानिया सोल मेकओवर्स हैंडल है, फॉलो कर लेना। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, खुद से प्यार करिए, खुश रहिए, शॉर्ट्स भी देखते रहिए। बाय बाय।